पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई भी एक एक एक्सटर्नल सर्किट है और इस एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी एक रेजिस्टेंस आप दिया गया है, मान लेते हैं इसका ईएमएफ ई है, समझे, और हम लोगों को इसी आर के बीच में निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग अब वोल्टमीटर का यूज नहीं करके हम लोग एक पोटेंशियोमीटर बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसका मान लेते हैं लंबाई ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। मान लेते हैं ए बी का जो लंबाई है वो 10 मीटर मान लेते हैं, और देखो इसमें एक बैटरी हम लोग लगा देते हैं, मान लेते हैं ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है, एक स्विच और ये एक रियोस्टैट यहाँ पे लगा दिया जाए, हो गया। 12 वोल्ट का मतलब क्या होगा, हम मान लेंगे कि पॉइंट ए जो है वो 12 वोल्ट पर है और जो पॉइंट बी है वो 0 वोल्ट पर है, समझ गए, ये हो गया। अब देखो इसमें दो फ्रेमिंग होता है, एक ये और एक जॉकी होता है, ये इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉकी, ठीक है। इसको आगे और पीछे स्लिप किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं ए और बी, क्योंकि ए हमारा हायर पोटेंशियल है और ये जो इट होगा वो लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा, मान लेते हैं वो पॉइंट बी कहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ करें कि जाने का जो डायरेक्शन है उससे पता लगता है कि ए हायर पोटेंशियल का होगा और जो बी होगा वो लोअर पोटेंशियल का होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरीका से मिला देंगे और इसको भी इस तरीका से मिला देंगे। अब इस जॉकी को हम लोग आगे पीछे करेंगे, तब तक आगे पीछे करेंगे जब तक कि इसमें बहने वाला जो करंट है वो 0 ना हो जाए। अगर इसमें बहने वाला करंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यानी हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, कि करंट यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए कोई करंट दोनों से फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में केवल वायर है और वायर का पोटेंशियल 0 होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि बी ए इज इक्वल टू, हो गया ना। यानी हम लोगों को इसका वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, ए माइनस बी बी, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम लोग भी एक जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी ए माइनस भी बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, भी पी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हो जाएगा, है ना। अब मान लिया जाए कि ये पूरा लंबाई 10 मीटर है, मान लेते हैं ये 8 मीटर का लंबाई है, समझे। अब ये 8 मीटर का लंबाई है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ टोटल 2 मीटर का लंबाई हो गया, है ना। तो चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जब पूरा लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर का मतलब यहाँ पर ये कितना है, 12 वोल्ट बनता रहा है। जब ये पूरा लंबाई हमारा 10 मीटर है तो पूरा का वोल्टेज क्या है, 12 वोल्ट है। इसलिए अगर 1 मीटर आएगा तो 10 वोल्ट आ जाएगा, इसलिए ये वाला अगर 2 मीटर आएगा तो 2 मीटर में 12 × 10 × 2 यानी कितना जाएगा, अगर 2.4 वोल्ट आ जाएगा, है ना। तो सोचो इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना आ गया, ये जो 2 मीटर है वो 2.4 वोल्ट को शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ये कितना शो करेगा, ये 12.0 में से 2.4 यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 और 11 में से 2 जाएगा
9.6 वोल्ट को शो करेगा और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो ए और पी के बीच का वोल्टेज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 9.6 वोल्ट आ रहा है, और इन दोनों के बीच 9.6 वोल्ट आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में 9.6 वोल्ट होगा। ये जो पोटेंशियोमीटर है ये ज्यादा काम का चीज इसलिए है क्योंकि देखो इसमें ना तो करंट यहां से इधर की ओर मूव किया है ना ही इधर से इधर की ओर मूव किया है, इसी तरीका से इसमें भी करंट का कोई मूवमेंट एक सर्किट से दूसरे सर्किट नहीं हुआ है। यही हमारा पोटेंशियोमीटर है और ये वोल्टमीटर से बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है,